श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जी पानी, आप बिल्कुल तमाम लोगों को प्रणाम। 22 जनवरी बस को राम मंदिर हमारे देश के लिए बड़ी सौगात है, सनातन धर्म के लिए बड़ी सौगात है। बिल्कुल आप ओद से ताल्लुकात रखते हैं, हाथ से ताल्लुकात रखते हैं, राम मंदिर के लिए कुछ आपने नहीं लिखा? नहीं, राम मंदिर के लिए लिखा है मैंने। अच्छा लिखा है। जब सब विषय पर चल रही है तो प्रभु के इतने बड़े कार्य, और 500 वर्षों का इंतजार है, बिल्कुल तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ना लिखा जाए। हाँ, हमने भी उन्हीं की कृपा से कुछ प्रयास किया है। दो दो लाइनें हमारे दर्शकों के लिए हो जाएं। लाइनें कहे के लिए जब बोलेंगे तो बोल नहीं, देंगे कि स्वागत आज कहीं स्वागत है, बोली स्वागत है जाएगी। भैया। अगर एक बार कभी शुरू हो जाता है तो फिर रुकता नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ना। हाँ जी, स्वागत है। अब आपने भी सुना है और जाना भी है कि प्रभु श्री राम अंतिम बार सरयू नदी पर जल समाधि लिए तो आएंगे कहां से। अब जब 22 को आ रहे हैं और उनका भव्य स्वागत की तैयारी है, तो कहां से निकल के आ रहे हैं, बस इतना सुनना है। स्वागत है भैया। और 22 तारीख याद रखें बिल्कुल कि दर्शन को मिल भक्त चलो रे। मैं गाता नहीं हूं, हाँ, लेकिन पहली लेकिन बार बड़ा अच्छा गाते हैं आप। गाने का प्रयास कर रहा हूं। नहीं, मैं बचपन से ही गा रहा था। मैं एक गीत गाया था तो लोग बड़ा प्रसन्न किए थे, फिर बोले कि आप बंबई चले जाओ। आओ, बहुत अच्छा गाते हो। फिर मैं बंबई चला गया तो वाह, एक ही गाने पर मुझे 2 अवार्ड मिला। छोटा अवार्ड मुझे गाना शुरू करने के लिए दिया गया क्या और बात है, बड़ा अवार्ड मुझे गाना बंद करने के क्या लिए मिला। क्या बात है, वाह इसलिए मैं वाह नहीं भैया। गाता हूँ। गाता हूँ तो फिर वो सुर असुर का रूप धारण कर लेता है, जी इसलिए भी नहीं गाता। मैं पहली बार गाने का प्रयास कर रहा हूँ, स्वागत भैया। सुनिएगा। हाँ कि दर्शन को मिल भक्त चलो रे, दर्शन को मिल भक्त चलो रे, चलो अयोध्या धाम। सरयू से निकल रहे हैं राम, राम, क्या बात है, सरयू से निकल रहे हैं राम। प्रतीक्षा वाह में जिनकी हमने जिया है, प्रतीक्षा में जिनकी हमने जिया है, राम लखन संग मात सिया है। क्या बात है, स्वागत में अब खड़े हुए हैं, स्वागत में अब खड़े हुए हैं, पवन पुत्र हनुमान, हनुमान क्या बात है, से निकल रहे हैं बहुत राम, बढ़िया। सरयू से निकल रहे हैं राम। ना ही कोई बंदिश होगी, ना ही कोई पहरा आहा, होगा, ना ही कोई बंदिश होगी, ना ना ही ही कोई कोई पहरा पहरा होगा, होगा। भगवा 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 होगा, भगवा या और भी गहरा गहरा होगा, क्या होगा। बात है, चारों तरफ जब गूंज उठेगा, चारों तरफ जब गूंज उठेगा, मेरे राम प्रभु का नाम, क्या बात सरयू है, से निकल रहे हैं राम, राम। सरयू से निकल रहे हैं राम। अब रावण यहाँ न पल पाएंगे, अब रावण यहाँ न पल पाएंगे, वाह, अब कहीं न कोई झगड़ा होगा, सारे भाई मिल जाएंगे। बढ़िया, ये राम राज जो ले आए हैं, ये राम राज जो ले आए हैं, वाह, उन्हें बारंबार प्रणाम, प्रणाम क्या बात है, करते से निकल रहे हैं राम, सरयू से क्या बात है, क्या निकल बात रहे है, हैं राम। अब कहा जाता है कि कविता सत्ता के विपक्ष होती है, कभी का धर्म यह है कि सत्ता के विपरीत ली, लेकिन अगर कोई अच्छा करे हाँ तो पक्ष में भी लिख के लिखना रखे चाहिए, बिल्कुल कि हमने चुना था मोदी जी को भारत स्वर्ण बनाने को, भारत हमने चुना था मोदी जी को भारत स्वर्ण स्वर्ण बनाने बनाने को, को, और चुना फिर योगी जी को राम लला को लाने लाने को, को। वाह दोनों ने है फर्ज निभाया, दोनों ने है फर्ज निभाया, सब जय जय करो शिवानी, आहा, सरयू से निकल निकल रहे हैं जय राम, हो, सरयू से निकल रहे हैं राम। दर्शन को मिल भक्त चलो रे, चलो अयोध्या धाम, सरयू सरयू से से निकल रहे हैं क्या बात है। निश्चित राम। ही ये हम सब के, हम पूरे देश के लिए, देश के एक एक व्यक्ति के लिए गौरवशाली क्षण होगा, गौरवमयी पल होगा, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। हालांकि अयोध्या में राम तो पहले से हैं, लेकिन
जिस तरीके से विखंडन हुआ, परिस्थितियां बदली, विपरीत परिस्थितियां आई, उसके बाद जैसा भी आपने कहा कि 500 वर्षों के इंतजार के बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, ये हम सबके लिए गौरवशाली क्षण है, पल है, और कहते हैं वही है जो राम रचिरा का। तो बहुत बहुत धन्यवाद रामता भैया, आपने बहुत अपनी बहुत पंक्तियों से सभी को हाँ बहुत, बहुत शुभकामनाएं, और प्रभु श्री राम के इतने वर्ष के इंतजार के बाद अयोध्या जगमगाने वाली है, पूरा देश जगमगाने वाला है। तो एक बार सभी लोग अपने घर में प्रभु श्री राम के स्वागत पर बिल्कुल जरूर जलाएं। सभी ने कहा भी था, देश का ये पूरा मन है कि इस बार हमारी दिवाली 22 जनवरी को होगी, और सौभाग्य देखिए हमारा जन्मदिन 22 जनवरी को है। पहले से बहुत बहुत शुक्रिया। इस बार हमारा खुद अपने आप में जन्मोत्सव महोत्सव जैसे लग रहा है, और श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो तमाम देशवासियों को इस चैनल के माध्यम से शुभकामनाएं इस पल के।